आप लोग शांत रहिए, चल तो बिल्कुल बुलवाएंगे, सोने के रात भर बैठे, चलो जाओ, सबको बुलवाएंगे, जाओ सबको अपनी बात कहने का मौका दो, जिसको बोलना है बोले, कांग्रेस जाए बाहर में, आपकी जिससे से आप लोग काम कर रहे हो, खंडवा वालों से मैं कहना चाहता हूँ आपसे, क्या तरीका है आप लोग का, ये जो हालत आप लोग इसी बना रहे। खंडवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल दिग्विजय यहां कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष इंदल सिंह पवार ने 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कुंदन मालवीय के बोलने का विरोध जता दिया, जिसके बाद तो दिग्विजय सिंह भड़क गए। नाराजगी जताते हुए दिग्गी बोले कि सबको बोलने दो, रात भर बोलो, कांग्रेस जाए भाड़ में। उधर दिग्विजय के इस वीडियो पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसा है। इस वीडियो को ट्वीट कर सलूजा ने लिखा, एक कहते हैं चलो चलो, दूसरे कहते हैं निकलो निकलो, वहीं एक कहते हैं कांग्रेस गई तेल लेने और दूसरे कहते हैं कांग्रेस गई भाड़ में। इस तरह से सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी ISI के लिए जासूसी करने वाले बीजेपी और बजरंग दल के नेताओं को हमारी सरकार आने पर जेल भेजा जाएगा, लेकिन ये सारे केस खोले जाएंगे। सरकार हमारी अगर आती चुनकर तो एक एक भ्रष्टाचार का प्रकरण में जिम्मेदारी तय की जाएगी और राष्ट्रीय द्रोह के मामले में इनके बजरंग दल के लोग और बीजेपी के लोग जिन्होंने ISI की पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी के जासूसी की है उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का प्रकरण फिर से दायर किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।